आज मैं कच्चे कीमे का कबाब बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, जो खाने में बहुत टेस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आधा किलो कीमा ली हूँ, इसमें थोड़ा सा फैट भी रखेंगे तो ज्यादा टेस्टी होता है। ठीक है, इसको आप साइड रख लेंगे। पैन लेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून खड़ा धनिया है, 1 टीस्पून जीरा है। इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे और दरदरा फिर पीस लेंगे। हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि पीसने में आराम रहे और एरोमा भी आए। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा मत कीजिएगा नहीं तो जलने का फ्लेवर आएगा। हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया, अब इसको हम दरदरा कूट लेंगे। अब उसी फ्राई पैन में हम 2 टीस्पून भर के बेसन हल्का सा रोस्ट कर देंगे। कलर खाली चेंज हो जाए बस इतना ही रोस्ट करना, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। 2 टीस्पून हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है, बस कलर चेंज हो जाए ताकि कच्चा पन न लगे। अब इसे हम गर्म में ही अपना कीमा में मिला देंगे। भुना हुआ बेसन डालने के बाद जो भुना हुआ मसाला है वो भी हम डाल देंगे। दरदरा पीसिएगा, ज्यादा टेस्टी लगता है, फाइन पेस्ट करने से मजा नहीं आएगा उतना। अब इसमें जो बाकी खड़े मसाले जाएंगे वो देख ले। ये 1 छोटा सा प्याज है, फाइन चॉप, बहुत ज्यादा प्याज मत डालिएगा नहीं तो फिर माइंड नहीं होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, चाहे एकदम फाइन चॉप, 1 टीस्पून है दोनों। हरी मिर्च जितना तीखा आपको खाना है उस हिसाब से, क्योंकि लाल मिर्च भी पड़ेगा इसलिए हिसाब से डालिएगा। 1/2 टीस्पून हरी मिर्च, कबाब है थोड़ा चटपटा ही पसंद होता है उसी हिसाब से डालिए। अब इसको हम अच्छे नमक स्वाद अनुसार, एक अंडा बाइंडिंग के लिए। अंडा बहुत टेस्टी लगता है, इसमें बिना अंडा का मत कीजिएगा, ज्यादा टेस्टी लगता है, आप डाल के देखिएगा। अब हाथों की मदद से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से कर लीजिएगा, चम्मच से करने से अच्छा से मिक्स नहीं होगा। अच्छे से कीमे में मसाला पूरा घुस जाना चाहिए, इतना अच्छे से मिक्स हो गया। अब छोटा छोटा हम इसका टिकिया बनाएंगे, जितना बड़ा आपको शेप चाहिए उस हिसाब से आप टिकिया बनाइएगा। इस तरह से बड़े बड़े साइज का हम गोल गोल बना के चिपटा कर देंगे हाथ से। ठीक है, इस तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे, फिर फ्राई करेंगे। जब भी कीमा ले कबाब के लिए तो उसमें थोड़ा सा फैट जरूर डलवाएं, उससे काफी टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं कीजिएगा तो पकने में टाइम लगेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। इस तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे, इस तरह से सारे कबाब के टिकिया बना लेंगे। हो सके तो 1-2 घंटा के लिए फ्रिज में रख दे तो अच्छे से सेट हो जाता, फिर फ्राई कीजिए तो टूटेगा नहीं। ऐसे तुरंत बनाने से कभी कभी टूटता भी है, ज्यादा बेटर है रख दे 1-2 घंटा के लिए फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में। ठीक है, मैं 1/2 घंटा रख चुकी हूँ फ्रिज में, फिर मैं अब फ्राई कर रही हूँ, फ्राई करके दिखा रही हूँ। फिर हम 4 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल लेंगे, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। 4 टीस्पून हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब टेम्परेचर एकदम हम लो कर देंगे या गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे ताकि तुरंत पके नहीं बाहर बारीक कबाब का। अब धीरे धीरे करके 2-2 कबाब मैं तलूंगी, क्योंकि मेरा फ्राई पैन छोटा है इसलिए मैं 2-2 ही तलूंगी, एकदम स्लो टेम्परेचर पे, नहीं तो बाहरी हिस्सा पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। फ्राई हो गया, अब हम पलट देंगे और फिर लो टेम्परेचर पे ही रखेंगे, लो फ्लेम रखेंगे गैस का, और फिर 5 से 7 मिनट हम इसे कुक करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। कुक हो जाता फिर दिखाती हूँ। जी, हमारा टेस्टी सा कच्चे कीमे का कबाब बनके तैयार है। आप इसे पराठा से सर्व करें, चाहे ऐसे स्टार्टर के रूप में खाएं, बहुत ही टेस्टी, एक बार ट्राई करना बनता है। ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कैसा बना, एकदम इजी वे में मैंने बताया है।